हेलो एवरीवन, तुहाडे सारियां दा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरु जी दे। दोस्तों, जिवें कि तुसी जानदे हो कि वार्ड अटेंडेंट दे एडमिट कार्ड जारी हो चुके ने। उम्मीद है तुसी सारियां ने एडमिट कार्ड प्रिंट करवा ले होने। तुहाडे एग्जाम दे लई असी काफ़ी जिहड़ियां वीडियो अपलोड कीतियां ने, जिन्हां विच काफ़ी मैराथन क्लासां ते इस तों इलावा गैस पेपर भी अपलोड कीते गए ने, जिन्हां विचों काफ़ी क्वेश्चन तुहानूं जिहड़े ने एग्जाम विच वेखण नूं मिलणगे। सो जेकर किसी ने मैराथन क्लासा या बाकी दियां वीडियो नहीं वेखिया ने तां ओह साडे चैनल दी प्लेलिस्ट च जाके उत्थों उन्हां नूं देख सकदे ने। ते एग्जाम तो पहला तुसी इन्हां वीडियो नूं जरूर देख के जाना है, जिस नाल तुहानूं जिहड़ा है एग्जाम विच ये हैल्प करन। अज दा अपना जिहड़ा गैस पेपर है जी, इहदे विच तुहानूं हर क्वेश्चन दे लई 5 सैकेंड दा टाइम दिता जाएगा। उस तों बाद तुहानूं करैक्ट आंसर दस दिता जाएगा। ते नाल ही दोस्तों, जिन्हें भी तुहाडे इस टेस्ट दे विचों नंबर बनते ने वो तुसी सानू कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दसना है। एक बारी दोस्तों इस टेस्ट नू जिहड़ा है अपने दोस्तों के नाल शेयर कर दो, उस तो बाद आपां जिहड़ा है टेस्ट नू शुरू करते हैं। वध तो वध बच्चियां नाल तुसी इस नू शेयर करना है तां जो वध तो वध बच्चे अपने नाल जुड़ सकन ते उन्हां नू भी फायदा हो सके। शुरू करते हैं दोस्तों आज दे टेस्ट नू। अपना फस्ट क्वेश्चन है जी, राजपाल दा कार्यकाल किन्ना हुंदा है? तुसी दसना है कि राजपाल दा कार्यकाल किन्ना हुंदा है। तुहाडे कोल जिहड़े चार ऑप्शन ने, ऑप्शन ए है जी 3 साल, ऑप्शन बी है जी 4 साल, ऑप्शन सी है जी 5 साल, ते ऑप्शन डी है जी 6 साल। तुहानू 3 सैकेंड या 5 सैकेंड का टाइम, मैं तुहानू कहा सी तुहानू दिता जांदा है। जिन्ना विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुने जी 6 साल, उन्हों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। राजपाल का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 साल। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, भारत का राष्ट्रीय पशु की है? तुसी दसना है कि भारत का जिहड़ा राष्ट्रीय पशु की है। ऑप्शन ए है जी हाथी, ऑप्शन बी है जी शेर, ऑप्शन सी है जी बाघ, ऑप्शन डी है जी बैल। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुनी है जी बाघ, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। भारत का राष्ट्रीय पशु की है जी? बाघ। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, मनुखी शरीर विच पाए जाण वाले हेठ लिखे तत्तां विचों किस दी मात्रा ज़्यादा है? तुसी दसना है कि इन्हां तत्तां विचों किस दी मात्रा जिहड़ी है मनुख दे शरीर विच ज़्यादा है। ऑप्शन ए है जी लोहा, ऑप्शन बी है जी सोडियम, ऑप्शन सी है जी फास्फोरस, ऑप्शन डी है जी कैल्शियम। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुनी है जी कैल्शियम, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। इन्हां विचों सब तो वध जिहड़ा है मनुख विच जिहड़ा है मनुखी शरीर विच किहड़ा तत् पाया जाता है जी? कैल्शियम। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। दोस्तों अपने करैक्ट आंसर ते जिहड़े भी तुहाडे रोंग आंसर होंदे ने एक पासे कॉपी दे उत्ते तुसी लिखते जाना है। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, कुष्ठ रोग का कारण की है? तुसी दसना है कि इन्हां चार ऑप्शनां विचों कुष्ठ रोग का कारण की है। ऑप्शन ए है जी वायरस, ऑप्शन बी है जी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है जी माइकोप्लाजम, ऑप्शन डी है जी प्रोटोजोआ। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुनी है जी बैक्टीरिया, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। कुष्ठ रोग किहदे द्वारा हुंदा है दोस्तों? बैक्टीरिया द्वारा। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, मलेरिया किस मच्छर नाल फैलता है? तुसी दसना है कि मलेरिया जिहड़ा है जी वह किस मच्छर नाल फैलता है। ऑप्शन ए है जी एंडीज, ऑप्शन बी है जी मादा एनाफिलीज, ऑप्शन सी है जी ए अते बी दोवें, ऑप्शन डी है जी इन्हां विचों कोई नहीं। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुनी है जी मादा एनाफिलीस, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, फ्रीजर विच
टीका नहीं रखिया जाता। तुसी दसना है कि इन चार ऑप्शनों विचों जिहड़ा किहड़ा टीका है जिहड़ा फ्रिजर विच नहीं रखिया जाता। ऑप्शन ए है जी DPT, ऑप्शन बी है जी BCG, ऑप्शन सी है जी पोलियो का टीका, ऑप्शन डी है जी इन्हां विचों कोई नहीं। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए चुनी है जी DPT, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी ECG का संबंध किस नाल है। तुसी दसना है कि ECG का संबंध किस नाल है। ऑप्शन ए है जी फेफड़े, ऑप्शन बी है जी दिल, ऑप्शन सी है जी दिमाग, ऑप्शन डी है जी कन। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने है जी दिल, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। ECG जिहड़ा है जी वह किहदे नाल संबंधित है जी दिल नाल। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी नवें जम्मे बच्चे की सामान्य दिल की गति किन्नी हुंदी है। तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने। ऑप्शन ए है जी 120 तो 160, ऑप्शन बी है जी अपने कोल 60 तो 120, ऑप्शन सी है जी 60 तो 80, ऑप्शन डी है जी 70 तो 80। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए चुनी है जी 120 तो 160, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी शिशु नूं कदों स्वाद दा पता चलन लगता है। तुसी दसना है कि शिशु नूं कदों जिहड़ा है स्वाद दा पता लगन चलता है। ऑप्शन ए है जी 2 महीने, ऑप्शन बी है जी अपने कोल 3 महीने, ऑप्शन सी है जी 6 महीने, तो ऑप्शन डी है जी 1 साल। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने है जी 3 महीने, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। 3 महीनों का जदों जवाक हो जाता जी शिशु हो जाता है उसनों किहड़ा है जिहड़ा स्वाद का पता लगन लग पैंदा है। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी दुध विच की नहीं पाया जाता। तुसी दसना है कि इन चार ऑप्शनों विचों दुध विच की नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए है जी कैल्शियम, ऑप्शन बी है जी लोहा, ऑप्शन सी है जी विटामिन, ऑप्शन डी है जी ए सारे। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने जी लोहा, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। दुध विच दोस्तों लोहा जिहड़ा है वह नहीं पाया जाता। इस तो इलावा कैल्शियम ते विटामिन ए पाए जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी यूरिक अम्ल नाल किहड़ा रोग हुंदा है। तुसी दसना है कि यूरिक अम्ल नाल इन्हां विचों किहड़ा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए है जी एड्स, ऑप्शन बी है जी हेजा, ऑप्शन सी है जी गठिया, ऑप्शन डी है जी मलेरिया। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुनी है जी गठिया, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी घाव भरन लई किहड़ा विटामिन मदद करता है। यानी जदों अपने शरीर ते कोई घाव पै जांदा है तां उसनूं भरन विच किहड़ा विटामिन जिहड़ा है मदद करता है। ऑप्शन ए है जी विटामिन बी, ऑप्शन बी है जी विटामिन डी, ऑप्शन सी है जी विटामिन सी, तो ऑप्शन डी है जी विटामिन के। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुने जी विटामिन सी, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। घाव भरन विच किहड़ा विटामिन मदद करता है जी विटामिन सी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी सर्जिकल हैंड वाश विच किन्ना समा लगता है। सर्जिकल हैंड वाश विच किन्ना समा लगता है। ऑप्शन ए है जी 1 मिनट, ऑप्शन बी है जी 3 मिनट, ऑप्शन सी है जी अपने कोल 5 मिनट, तो ऑप्शन डी है जी 1 घंटा। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुने है जी 5 मिनट, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। सर्जिकल हैंड वाश के लिए किन्ना टाइम लगता है जी 5 मिनट। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी इंद्रधनुष किस नाल संबंधित है। तुसी दसना है कि इन चार ऑप्शनों विचों इंद्रधनुष जिहड़ी है वह किस नाल संबंधित है। ऑप्शन ए है जी प्रकाश,
ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਰਜਲੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਜਲੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰਜਲੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਪਾਣੀ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਏਡਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਲੇਰੀਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਡੇਂਗੂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਟੀਬੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਡੇਂਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਂਗੂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਐਨਾਲਜੈਸਿਕ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਨਾਲਜੈਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਲਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਦਰਦ ਲਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਦਰਦ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਦ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਐਨਾਲਜੈਸਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਮ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਨਮ ਪੰਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 10 ਦਿਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 7 ਦਿਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 12 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 21 ਦਿਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ 21 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਵਜਾਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਵਜਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 0 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 0 ਤੋਂ 28 ਦਿਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 0 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 0 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ 0 ਤੋਂ 28 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਡੇਂਗੂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡੀਜ਼ ਮੱਛਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਊਲੈਕਸ ਮੱਛਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮੱਖੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਐਨੋਫਲੀਸ ਮੱਛਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਚੁਣੀ ਹੈ ਜੀ ਐਨੋਫਲੀਸ ਮੱਛਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗਤੀ ਅਧਿਕਤਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗਤੀ ਅਧਿਕਤਮ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਹਵਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤਰੰਗ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਲੰਘਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਠੋਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਹਵਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਖਲਾਅ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਠੋਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ।
ठोस दे विच जिहड़ी है जी आवाज़ सब तो ज़्यादा तेजी नाल लंघदी है। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, विज्ञान जिहड़ा वख वख जीवां दा उन्हां दे परिवर्तन नाल संबंधित संबंध दसदा है की कहाउंदा है। तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन ए है जी मानव विज्ञान, ऑप्शन बी है जी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है जी पर्यावरण प्रबंध, ऑप्शन डी है जी भूमि विज्ञान। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुनिया जी पर्यावरण प्रबंध, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने जिहड़े इस पेपर दे विच असीं पाए ने दोस्तों। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कदों मनाया जाता है। तुसीं दसना है कि विश्व पर्यावरण दिवस जिहड़ा है जी हर साल कदों मनाया जाता है। ऑप्शन ए है जी 5 मई नूं, ऑप्शन बी है जी 5 जून नूं, ऑप्शन सी है जी 5 जुलाई नूं, ऑप्शन डी है जी 5 अगस्त नूं। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने है जी 5 जून नूं, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। हर साल जिहड़ा है जी 5 जून नूं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, वायुमंडल की कौन परत धरती दे तल दे सब तो नज़दीक है। तुसीं दसना है कि वायुमंडल की कौन परत है जिहड़ी धरती दे तल दे सब तो नज़दीक है। ऑप्शन ए है जी ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी है जी थर्मोस्फेयर, ऑप्शन सी है जी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन डी है जी मीजोस्फेयर। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए चुने जी ट्रोपोस्फेयर, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, तरल पेट्रोलियम गैस मिश्रण है, तरल पेट्रोलियम गैस विच केड़ियां गैसां ने यह तुसीं दसना है। तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन ए है जी प्रोपेन अते ब्यूटेन दा, ऑप्शन बी है जी मिथेन अते प्रोपेन दा, ऑप्शन सी है जी मिथेन अते ब्यूटेन दा, ऑप्शन डी है जी मिथेन अते इथेन दा। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए चुने जी प्रोपेन अते ब्यूटेन दा, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। तरल LPG गैस जिहड़ी है जी उहदे विच की हुंदा है दोस्तों, प्रोपेन अते ब्यूटेन ये दोवां दा की हुंदा है मिश्रण हुंदा है। इस तों इलावा इहदे विच एक जिहड़ी गैस होर पाई जांदी है जिहदे द्वारा आपां नूं जिहड़ी है गंध आउंदी है कि जिहड़ा अपना सिलेंडर है वह लीक है जां नहीं। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, तंबाकू का नशा किस कारण हुंदा है। तंबाकू का नशा किस कारण हुंदा है, तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन ए है जी कोकीन, ऑप्शन बी है जी कैफीन, ऑप्शन सी है जी निकोटीन, तो ऑप्शन डी है जी हिस्टामीन। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुने है जी निकोटीन, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, गिल्लड रोग किस कारण हुंदा है। तुसीं दसना है कि इन्हां चार ऑप्शनां विचों गिल्लड रोग जिहड़ा है जी वह किस कारण हुंदा है। ऑप्शन ए है जी विटामिन बी, ऑप्शन बी है जी अपने कोल विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है जी आयोडीन, ऑप्शन डी है जी आयरन। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुने जी आयोडीन, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। आयोडीन की कमी कारण की हो जाता है, गिल्लड़ रोग हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, वो केड़ा रुख है जो अपनिया जड़ा अपनिया टाणिया ते ही उगा लेंदा है। तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन ए है जी अमलतास, ऑप्शन बी है जी अशोक, ऑप्शन सी है जी पीपल, ऑप्शन डी है जी बोर्ड। उम्मीद है ये क्वेश्चन सारियां नूं आंदा होएगा। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुने है जी बोर्ड, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, हेठ लिखियां विचों कौन मनुख रचित आपदा नहीं है। तुसीं दसना है कि इन्हां विचों कौन आपदा है जिहड़ी मनुख द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए है जी डाका, ऑप्शन बी है जी जंग, ऑप्शन सी है जी हड़ताल,
ऑप्शन डी है जी हड़। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुने जी हड़ उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है खाने का वो हिस्सा जो शरीर विच हजम नहीं हुंदा है। तुसी दसना है कि खाने का इन्हां विचों वो हिस्सा जिहड़ा शरीर विच हजम नहीं हुंदा है। ऑप्शन ए है जी स्टार्च, ऑप्शन बी है जी सेलूलोज, ऑप्शन नंबर सी है जी प्रोटीन, तो ऑप्शन डी है जी फैट। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुनिया जी सेलूलोज उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। इन्हां विचों जिहड़ा है सेलूलोज जिहड़ा है जी वह शरीर विच हजम नहीं हुंदा है, बाकी जिहड़े स्टार्च प्रोटीन ते फैट ये हजम हो जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी जीभ दा केड़ा हिस्सा कौड़ा स्वाद दसदा है। अपनी जिहड़ी जीभ है जी उसका केड़ा हिस्सा जिहड़ा है जी वो जिहड़ा आपां नूं कौड़ा स्वाद दसदा है कि कोई चीज़ कौड़ी है। ऑप्शन ए है जी विचकारला हिस्सा, ऑप्शन बी है जी पिछला हिस्सा, ऑप्शन सी है जी सरू दा हिस्सा, तो ऑप्शन डी है जी किनारे। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुनिया जी पिछला हिस्सा उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी पंजाब विच कुल किन्ने जिले हन। तुसीं दसना है कि पंजाब विच कुल किन्ने जिले ने। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने जी 22 उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। पंजाब विच कुल किन्ने जिले ने दोस्तों 22। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे ने। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी अमीबी पेचस किस रोग जनक सूखम जीव नाल हुंदा है। तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन ए है जी प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है जी विषाणु, ऑप्शन सी है जी जीवाणु, ऑप्शन डी है जी किरम। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए चुने है जी प्रोटोजोआ उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। अमीबी पेचस किस कारण हुंदा है दोस्तों, प्रोटोजोआ कारण। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी हेठ लिखित विचों ऊर्जा का केड़ा स्रोत नवियावन योग है। तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन ए है जी कोला, ऑप्शन बी है जी कुदरती गैस, ऑप्शन सी है जी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है जी सूरजी ऊर्जा। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुने है जी सूरजी ऊर्जा उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी हेठ लिखियां विचों किहड़े जंतु विच हड्डी का ढांचा नहीं हुंदा। तुसीं दसना है कि इन्हां विचों किस विच हड्डी का ढांचा नहीं हुंदा है। ऑप्शन ए है जी डड्डू, ऑप्शन बी है जी मच्छी, ऑप्शन सी है जी गंडोया, ऑप्शन डी है जी सप। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुने है जी गंडोया उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी किसनू पहला हेले नैशनल पार्क कहा जाता है। किसनू पहला जिहड़ा है हेले नैशनल पार्क कहा जाता है। तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन ए है जी पेरियार, ऑप्शन बी है जी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी है जी काजीरंगा, ऑप्शन डी है जी रणथंबोर। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने जी जिम कॉर्बेट उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी सोडियम धातु किस विच रखी जाती है। तुसीं दसना है कि सोडियम जिहड़ी धातु है जी वह किस विच रखी जाती है। ऑप्शन ए है जी पेट्रोल, ऑप्शन बी है जी अल्कोहल, ऑप्शन सी है जी कैरोसिन, ऑप्शन डी है जी पानी। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुने है जी कैरोसिन उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी हेठ लिखे हुई केड़ी अतातु कमरे के तापमान ते तरल रहिंदी है। तुसीं दसना है कि इन्हां विचों केड़ी अतातु है जिहड़ी कमरे के तापमान ते तरल रहिंदी है। ऑप्शन ए है जी फॉसफोरस, ऑप्शन बी है जी ब्रोमाइन, ऑप्शन सी है जी क्लोरीन, ऑप्शन डी है जी
हीलियम। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने है जी ब्रोमाइन, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, कूहनी विच केड़ा जोड़ हुंदा है। तुसीं दसना है कि अपनी जिहड़ी कूहनी हुंदी है उहदे विच केड़ा जोड़ हुंदा है। ऑप्शन ए है जी बाल एंड साकट, ऑप्शन बी है जी हिंज जोड़, ऑप्शन सी है जी फिक्स्ड जोड़, ऑप्शन डी है जी पिवोटल जोड़। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुनिया है जी हिंज जोड़, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। खूनी दे विच केड़ा जोड़ हुंदा है जी हिंज जोड़। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, मच्छरां विच पोषण विधि केड़ी है। तुसीं दसना है कि इन्हां विचों मच्छरां विच पोषण विधि केड़ी है। ऑप्शन ए है जी स्वैपोषी, ऑप्शन बी है जी परजीवी पोषण, ऑप्शन अपने कोल सी है जी ए अते बी दोवें, ऑप्शन डी है जी इन्हां विचों कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर अपने कोल है जी ऑप्शन नंबर बी परजीवी पोषण। मच्छर की करते हैं दोस्तों परजीवी पोषी ने। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, किस ग्रह को धरती की भैन कहा जाता है। तुसीं दसना है कि इन्हां विचों किस ग्रह को जिहड़ा है धरती की भैन कहा जाता है। ऑप्शन ए है जी मंगल, ऑप्शन बी है जी बुध, ऑप्शन सी है जी बृहस्पति, तो ऑप्शन डी है जी शुक्र। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुने जी शुक्र, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। शुक्र नूं जिहड़ा है धरती की भैन कहा जाता है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, कार्बोहाइड्रेट चर्बी अते प्रोटीन दा पूर्ण पाचन किस विच हुंदा है। ऑप्शन ए है जी पेट, ऑप्शन बी है जी जिगर, ऑप्शन सी है जी छोटी आंतड़ियाँ, ऑप्शन डी है जी गुर्दा। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुनिया जी छोटी आंतड़ियाँ, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन जी, हवा दा दबाव मापन लई किहड़ा यंत्र वरत्या जांदा है। ऑप्शन ए है जी एनीमोमीटर, ऑप्शन बी है जी स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है जी बैरोमीटर, तो ऑप्शन डी है जी हाइग्रोमीटर। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुने जी बैरोमीटर, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, अंधराते दे मरीज़ नूं की खाण की सलाह दिती जांदी है। जिस मरीज़ नूं अंधराता हो जाता है उसनों की खाण की सलाह दिती जांदी है। ऑप्शन ए है जी शक्करकंदी, ऑप्शन बी है जी केला, ऑप्शन सी है जी अनानास, ऑप्शन डी है जी अमरूद। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए चुने जी शक्करकंदी, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, हेठां दर्ज मनुखी शरीर के किस अंग नूं रिजर्व ब्लड बैंक कहा जाता है। ऑप्शन ए है जी तिल्ली, ऑप्शन बी है जी अग्नाशय, ऑप्शन सी है जी पित्ताशय, ऑप्शन डी है जी जिगर। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए चुनिया जी तिल्ली, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है, चिपको अंदोलन किसने शुरू किया सी। तुहाडे कोल चार ऑप्शन ने, ऑप्शन ए है जी किरण बेदी ने, ऑप्शन बी है जी एस एल बहुगुणा ने, ऑप्शन सी है जी मेगा पाटकर ने, ऑप्शन डी है जी इन्हां विचों कोई नहीं। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुनिया जी एस एल बहुगुणा सुंदर लाल बहुगुणा, उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, प्रोजेक्ट टाइगर कदों शुरू होया सी। प्रोजेक्ट टाइगर कदों शुरू होया सी, ऑप्शन ए है जी 2011 विच, ऑप्शन बी है जी 1970 विच, ऑप्शन सी है जी अपने कोल 1973 विच, ऑप्शन डी है जी 2007 विच।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ 1973 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਭੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ, ਕਿਸ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਮਿਥੇਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਫੋਸੀਜੀਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਥੇਨ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਥਾਈਸ ਅਮਾਈਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਮਿਥੇਨ ਆਈਸੋਸਾਈਨੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਫੇਦ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਫੇਦ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਐਸਬੈਸਟਾਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪੇਪਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਲੀਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਗ, ਬਲੇਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਔਨਲੇ ਤੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਤਰੇ ਤੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿੰਬੂ ਤੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਖੱਟੇ ਫਲ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋੜ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੋੜ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਤਣਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਰਣਕ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸਟੋਮੇਟਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਟੋਮੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿਕਨਾਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਚਰਬੀ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਊਰਜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਊਰਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਊਰਜਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 21 ਮਾਰਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 22 ਮਾਰਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 23 ਮਾਰਚ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 25 ਮਾਰਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ 22 ਮਾਰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ
ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 1854 ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 1853 ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1858 ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 1860 ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ 1853 ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੌਦੇ ਸਾਹ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਪੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਟੋਮੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਈ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਖੂਨ ਦਾ ਘੱਟ ਦਬਾਅ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਨਰਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਏਐਨਐਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਪੀਆਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਚਰਬੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 5 ਲੀਟਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 7 ਲੀਟਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1.5 ਤੋਂ 2.5 ਲੀਟਰ ਯਾਨੀ 1.5 ਤੋਂ 2.5 ਲੀਟਰ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 5.5 ਤੋਂ 6.5 ਲੀਟਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ 1.5 ਲੀਟਰ ਤੋਂ 2.5 ਲੀਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ।
जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुनिया जी विटामिन बी उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। विटामिन बी ते विटामिन सी जिहड़े ने ये पानी विच घुलनशील ने ते बाकी सारे की ने चर्बी विच घुलनशील ने। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां। अपना नैक्सट क्वेश्चन है हेठ लिखियां विचों किहड़ा विटामिन पानी विच घुलनशील है। तुसीं दसना है कि इन्हां विचों किहड़ा विटामिन है जिहड़ा पानी विच घुल जांदा है। ऑप्शन ए है जी विटामिन ए, ऑप्शन बी है जी विटामिन बी, ऑप्शन सी है जी विटामिन डी ते ऑप्शन डी है जी विटामिन के। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने जी विटामिन बी उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि विटामिन बी अते सी जिहड़े ने ओह पाणी विच घुलनशील ने ते बाकी सारे चर्बी विच घुलनशील ने यानी वसा विच घुलनशील ने। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी मरीजा नूं स्ट्रेचर जां व्हीलचेयर ते वार्ड तक कौन ले के जांदा है। ऑप्शन ए है जी नर्स, ऑप्शन बी है जी डॉक्टर, ऑप्शन सी है जी ANM ते ऑप्शन डी है जी वार्ड अटेंडेंट। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुने है जी वार्ड अटेंडेंट उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी मरीजां दी पट्टियां बदलण दा काम कौन करता है। ऑप्शन ए है जी डॉक्टर, ऑप्शन बी है जी नर्स, ऑप्शन सी है जी वार्ड अटेंडेंट, ऑप्शन डी है जी क्लर्क। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुने है जी वार्ड अटेंडेंट उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेख लिया जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी तुसी मैनू खून दिओ मैं तुहानू आज़ादी देवांगा ये नारा किसने दिता सी। ऑप्शन ए है जी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है जी भगत सिंह ते ऑप्शन डी है जी सोहन लाल। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए चुने जी सुभाष चंद्र बोस उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी खून लगी हुई रूई किस डस्टबिन विच सुट्टी जाती है यानी संक्रमित जिहड़ी रूई है वह किस डस्टबिन विच सुट्टी जाती है। ऑप्शन ए है जी लाल, ऑप्शन बी है जी काला, ऑप्शन सी है जी अपने कोल पीला ते ऑप्शन डी है जी कोई भी। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुने है जी पीला उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। पीले रंग विच जिहड़ी है जी वह खून लगी हुई रूई सुट्टी जाती है। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी AWC का पूरा नाम की है। तुसी दसना है कि AWC का पूरा नाम की है। ऑप्शन ए है जी आंगनवाड़ी वर्कर, ऑप्शन बी है जी अपने कोल आंगनवाड़ी सेंटर, ऑप्शन सी है जी आंगनवाड़ी केयर, ऑप्शन डी है जी नन ऑफ दीज। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने है जी आंगनवाड़ी सेंटर उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी NHM का पूरा नाम की है। NHM का पूरा नाम की है। ऑप्शन ए है जी नैशनल हैल्थ पॉलिसी, ऑप्शन बी है जी नैशनल हैल्थ मिशन, ऑप्शन सी है जी नैशनल हैल्थ मैन, ऑप्शन डी है जी नन ऑफ दीज। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने जी नैशनल हैल्थ मिशन उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी SBM का पूरा नाम की है। SBM का पूरा नाम की है। ऑप्शन ए है जी सोशल बिहेवियर मिशन, ऑप्शन बी है जी स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन सी है जी A&B, ऑप्शन डी है जी नन ऑफ दीज। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने है जी स्वच्छ भारत मिशन उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी लार की है। ऑप्शन ए है जी अमलिया, ऑप्शन बी है जी खार, ऑप्शन बी सी है जी अपने कोल ए अते बी,
ऑप्शन डी है जी हल्का खार। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुने जी हल्का खार उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी मरीज नूं किहो जिही खुराक देनी चाहीदी है। ऑप्शन ए है जी पूर्ण खुराक, ऑप्शन बी है जी तरल खुराक, ऑप्शन सी है जी हल्का भोजन, ऑप्शन डी है जी ए सारे। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुने जी ए सारे उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी जिंदा पीर किहड़े मुगल बादशाह नूं कहा जाता है। जिंदा पीर जिहड़ा है जी वह किहड़े मुगल बादशाह नूं कहा जाता है। ऑप्शन ए है जी बाबर, ऑप्शन बी है जी औरंगजेब, ऑप्शन सी है जी शाहजहां, ऑप्शन डी है जी अकबर। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने जी औरंगजेब उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। औरंगजेब नूं जिंदा पीर दे नाल नाल जाने जांदा है। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी माउंट एवरेस्ट किस तरह का पर्वत है। ऑप्शन ए है जी वलदार पर्वत, ऑप्शन बी है जी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन सी है जी प्राचीन पर्वत, ऑप्शन डी है जी ब्लैक पर्वत। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए चुनिया जी वलदार पर्वत उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी पृथ्वी दे आले दुआले गैसां दे घेरे नूं की कहा जाता है। ऑप्शन ए है जी वातावरण, ऑप्शन बी है जी वायुमंडल, ऑप्शन सी है जी थलमंडल, ऑप्शन डी है जी जीवमंडल। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने है जी वायुमंडल उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दे सम्मेलन सब तो वध कित्थे होए ने ये तुसी दसना है। ऑप्शन ए है जी बंबई विच, ऑप्शन बी है जी दिल्ली विच, ऑप्शन सी है जी मद्रास विच, ऑप्शन डी है जी कलकत्ता विच। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी चुने जी कलकत्ता विच उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। कलकत्ता विच किन्ने होए ने 10। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कदों मनाया जाता है। तुसी दसना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कदों मनाया जाता है। ऑप्शन ए है जी 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है जी 8 सितंबर, ऑप्शन सी है जी 28 फरवरी, ऑप्शन डी है जी अपने को 12 जनवरी। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी चुनी है जी 28 फरवरी उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी रेबीज़ दे टीके की खोज किसने की सी। तुसी दसना है कि रेबीज़ दे टीके की खोज किसने की सी। ऑप्शन ए है जी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है जी लुईस पाश्चर, ऑप्शन सी है जी एडिसन, ऑप्शन डी है जी हेमक्रेन। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने जी लुईस पाश्चर उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। लुईस पाश्चर ने की सी जी रेबीज़ दे टीके की खोज। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी UNO डे कदों मनाया जाता है। तुसी दसना है कि UNO डे कदों मनाया जाता है। ऑप्शन ए है जी 27 फरवरी, ऑप्शन बी है जी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है जी 4 फरवरी, ऑप्शन डी है जी 21 अगस्त। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी चुने है जी 24 अक्टूबर उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी भारत दा पहला अखबार केड़ा सी। ऑप्शन ए है जी बंगाल गजट, ऑप्शन बी है जी अपने कोल सोम प्रकाश, ऑप्शन सी है जी नवजीवन, ते ऑप्शन डी है जी तराने हिंद। जिन्हां विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए चुने जी बंगाल गजट उन्हां दा आंसर बिल्कुल करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे हां जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी भारत विच ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कदों हुई सी। तुसी दसना है कि भारत विच ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस कदों हुई सी। ऑप्शन ए है जी 1951, ऑप्शन बी है जी 1970, ऑप्शन सी है जी 1978, ऑप्शन डी है जी 1964।
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ 1970, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਪਰਬਤ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਦੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪਠਾਰ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਦਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਮੈਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਲਖਨਊ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪਟਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਪਟਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਪਟਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹੱਦ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਚੀਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਨੇਪਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 10, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 7, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 9, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 8। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ 8, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਹਾਥੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਚੀਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਚੁਣੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਥੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।